वेलकम वेव्स, जो थोड़ा लंबा चैप्टर है उसके इस एपिसोड में, मैंने फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड तक बात कर ली थी कि सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस की, आपने डायग्राम आपने देख लिए थे क्या कुछ होता है, उस पर आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया। अब हम उसको और थोड़ा डिटेल में एक पर्टिकुलर टाइप के सुपरपोजिशन की बात करेंगे जिसको स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है या स्टेशनरी वेव्स, पहली बात। दूसरा, उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आइए थोड़ा सा समझते हैं। पिछली बार आपको रिकैप करवा दूं कि कई भी डिस्प्लेसमेंट्स हो, दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दिया जाएगा या दो से अधिक जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स होंगी उनको जोड़ दिया जाएगा वेव वेलोसिटी में, उसका आंसर निकाला जाएगा। आइए, पर अब हम एक पर्टिकुलर टाइप की वेव की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, वो स्टेशनरी वेव बने आती हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या है, आप समझिए, कुछ पॉइंट्स उसके बिल्कुल मूव नहीं करते हैं और कुछ पॉइंट मैक्सिमम मूव करते हैं। जो पॉइंट बिल्कुल मूव नहीं करते वो कब होंगे, जब क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, वो होता है। आइए ऐसी वेव में कैसे होता है समझिए, थोड़ा समझते हैं इसको। ये देखिए, अब आपके सामने ये वेव्स हैं, जो ये वाला पॉइंटर है, अगर आप देखें दो वेव्स देखिए, आप देख सकते हैं दोनों की दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को देखेंगे, इसको, ये पॉइंट हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, क्योंकि हमेशा आप यहां देखो ना, जैसे क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे उल्टे ऑपोजिट ऑपोजिट एक्शन वाले मिलेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, हाँ दोनों डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर रही हैं। और जब ये एग्जैक्टली एक दूसरे को ऑपोजिट आएगा, जैसे जैसे ये अभी आएगा, अब फिर जीरो, फिर जीरो, 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 ऐसी जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर हमेशा वो पॉइंट्स लग रहे हैं, मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट इसकी हमेशा कैंसिल हो रही है। ये मैक्सिमम मूव करेगा जितना भी होगा। आइए इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। मैंने आपसे कहा था मैथमेटिकल में घबराइएगा नहीं, होगा बहुत सिंपल। देखिए, अब ये हमने लिया, दो वेव ले ली, मैंने आपसे कहा था एग्जैक्टली आइडेंटिकल लेकिन डायरेक्शन उल्टी। पहली वेव 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स वाली पॉजिटिव एक्स एक्स वाली, दिस इज द वेव ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्स, दिस इज फॉर माइनस माइनस एक्स एक्स, एग्जैक्टली वेव है क्योंकि उनका ओमेगा सेम है, वेलोसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। ये दोनों वेव मैंने बस जोड़नी और कुछ नहीं करना, प्योर मैथ। जो साइंस के, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है, साइन सी प्लस एन डी फॉर्मूला लगाना। जो मैथ्स वाले नहीं हैं उनके पास याद है, मेरा एक पीएमटी मैथ्स का पेपर वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ उतनी मैथ्स लिखी है जो पीएमटी वालों को जरूरी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए, मैंने दोनों को जोड़ दिया आपके सामने। अब जो मैथ्स वाले जानते हैं वो जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी, मैंने उसको कर दिया। आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी में एक साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू होता है, मैंने वो वैल्यू प्योरली मैथमेटिक्स लगाकर यहां कर दिया। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे आने के बाद। ये देखिए, जो मेरी वैल्यू आ गई इसकी क्या खास बात हुई, शुरू में मेरे दोनों वेव फंक्शन वेलोसिटी और एक्स पर डिपेंड करते हैं, मैंने सॉरी टी और एक्स पर डिपेंड कर रहे थे, ये भी टी और एक्स पर डिपेंड करता है, ये दोनों टी और एक्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जैसे ये फंक्शन बन गया, इसकी क्या खास बात बन गई, ये वाला फंक्शन सिर्फ टी पर डिपेंडेंट है, ये वाला सिर्फ एक्स पर डिपेंडेंट है, मैंने दो हिस्सों में टूट गया। मैंने इसको मैथमेटिकली समझाने के लिए कर दिया 2a into ft and gx कर दिया, फंक्शन ऑफ टी बन गया। तो फंक्शन ऑफ टी मेरे पास ये बचा, मैंने टाइम के साथ ये बदलता रहेगा और ये वाला एक्स के साथ बदलेगा। अब ध्यान देना, वेव में एक्स डिस्टेंस को किसी पार्टिकल का फिक्स कर सकते हो, टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम बार बार बदलता रहेगा। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर थोड़ा सा भी खेल खेलूं तो मैं कुछ पार्टिकल्स के विषय में कुछ बातें बता सकता हूं, वही चीज हम इस स्लाइड में करेंगे। देखिए, मैंने ये फंक्शन ले लिया जो मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया आपके सामने। अब देखो, जिस समय ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू वो हो सकती है ना, क्योंकि कॉस कब कब जीरो है आपको पता है, पाई बाय टू पर भी जीरो है, थ्री पाई बाय टू पर जीरो है, फाइव पाई बाय टू पर जीरो है, इसको हो सकता है। अगर मैं एक्स की ये वाली वैल्यू कर दूं, या ये वाला मैंने नीचे जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, मैंने टू एन माइनस वन पाई बाय टू लिखा, किसी जगह पर टू एन प्लस वन भी हो सकता है, एन माइनस वन में खास बात है एन वन से शुरू हो सकता है, टू एन प्लस वन में एन जीरो से शुरू होता है, इतना ही फर्क है, बाकी दोनों सेम है। मैथ्स वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं, ऑड इस दोनों में ऑड ही आएगा। अब जब भी ये फंक्शन होगा तो मेरी x की कोई वैल्यू आ जाएगी, आइए निकालते हैं। ये देखो, मैंने टू इस वाली क्वांटिटी में मैंने आपका टू पाई x बाय लैम्डा को मैंने पाई बाय टू से इक्वेट कर दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया,
लैम्डा ऊपर चला गया, एक्स क्या गया लैम्डा बाई फोर। दोबारा मैंने इसको रख दिया 3π/2 को एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको सिर्फ, तो एक्स की वैल्यू 3λ/4 आ गई। लेकिन जनरलाइज फॉर्म ये है, मैंने लैम्डा बाई फोर और 3λ/4 ये दो स्टेप्स अगर आप पॉइंट्स अभी माइंड में रखें, तो लैम्डा बाई फोर अगर मैं एक्स को रखूंगा तो ये चीज़ जीरो है, जब ये चीज़ जीरो बन जाएगी तो वाई भी जीरो बन जाएगा, मैंने इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। टाइम कुछ भी होने दीजिए, टाइम वाला पार्टिकल कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू जब लैम्डा बाई टू हो जाएगी तो वो कर ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू ही नहीं है, इट विल नॉट डू। इसको ध्यान रखिए। अब यहां पर देखिए 3λ/4 में भी यही हालत रहेगी, तो ये दो पॉइंट ऐसे आ गए जो कभी मूव करेंगे ही नहीं दोनों स्टैंडिंग वेव में। वही जो आपके पास पॉइंट दिखाए थे ना, जो बिल्कुल पिछली बारी में बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, वो ये वाले पॉइंट थे। अब देखिए इसको हमने किया क्या, इसलिए ये पॉइंट जो मूव नहीं करते ना, वहां पर कोई पॉइंट्स बीच बीच के पॉइंट स्टेशनरी वेव हो जाते हैं, इसलिए सुपरपोजिशन का ये वाला पॉइंट स्टेशनरी वेव कहलाता है। मतलब ये टॉपिक मैंने आपसे कहा दो वेव्स को जोड़ेंगे, इसमें बीट्स भी करेंगे, इंटरफेरेंस भी करेंगे, स्टेशनरी वेव्स भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेशनरी वेव के ऊपर स्पेसिफिक आ गए। इसमें हमने क्या किया, इसको अब हम जीरो वाले पॉइंट निकाल चुके थे, आपको पता है कॉस की वैल्यू पाई बाई टू पर जीरो होती है, पर कॉस की वैल्यू कभी मैक्सिमम तो होती है ना बेटा, जीरो पर वन होती है, 180 पर माइनस वन होती है। ये वाली वैल्यूज पर हमारा एक्स ज्यादा होगा। पहली बार हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू ऐसी निकाली कि कॉस वाला फंक्शन जीरो हो जाए। अब मैं वैसी वैल्यू निकालने वाला हूँ जिसमें कॉस का फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। आपको पता है वैल्यू पाई टू पाई पर होगी, मैंने इसको इक्वेट कर दिया। अब जनरलाइज फॉर्म में कॉस एन पाई कर दिया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे दो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2πx/λ को मैंने इक्वेट किया, एक्स लैम्डा बाई टू आ गया। उसके अगले ही केस में मैंने 2π कर दिया तो वैल्यू लैम्डा आ गई, इनफैक्ट जनरलाइज वैल्यू एन लैम्डा बाई टू आ गई। मैंने लैम्डा बाई टू, 2λ/2, 3λ/2, 4λ/2, आपको याद होगा पिछली ही स्लाइड में लैम्डा बाई फोर, 3λ/4, 5λ/4 हमारे पॉइंट आए थे जिनके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ये वो पॉइंट्स आ गए जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। अब ध्यान दो, जहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, देसी भाषा में आप कह सकते हैं इसकी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट डजंट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट, और अदर वर्ड्स इट हैज गॉट नो डिस्प्लेसमेंट। जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर नो डिस्प्लेसमेंट होती है उनको नोड कहा जाता है, दोस पॉइंट्स आर टर्म्ड एज नोड, नो डिस्प्लेसमेंट। और इसके कॉन्ट्रेरी जो पॉइंट्स जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उनको एंटी नोड कहते हैं। किसी भी स्टेशनरी वेव के ये एसेंशियल फीचर्स हैं, दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा, ये हमेशा होना है। इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल कि एक नोड के बाद दूसरा नोड आ जाएगा बिना एंटी नोड के, बिकॉज बीच में आपको एक पॉइंट चलाने वाला चाहिए, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के वो पॉइंट्स थे। तो हमारे पास एक्स की वो वैल्यू नोड और एंटी नोड है। अब जरा इसको रियलिटी में थोड़ा समझिए, देखिए हमारे पास नोड और एंटी नोड बनाने के लिए क्या बात कर सकते हैं, आप वेव बदल देते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, जो व्यक्ति गिटार के ऊपर गिटार बजाता है, मैंने आपको पहले बताया था गिटार के स्ट्रिंग की, छों स्ट्रिंग की थिकनेस अलग अलग है। आपको पता है गिटार के अंदर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता है जिसकी वैल्यू √T/μ आती है। आपने टी तो कर दिया, उसके बाद म्यू बदलने का अधिकार उसको दे दिया, तो वो अलग अलग म्यू से अलग अलग वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पैदा कर सकता है। ये आपने पहला काम कर दिया उसको, गिटार बजाने वाले को। अब हमने क्या किया, गिटार को अगर आपने ध्यान से देखो तो नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा वेज जिसे बोलते हैं, वहां से छों स्ट्रिंग्स ऊपर जाती हैं, लेकिन जो गिटार बजाने वाला आदमी होता है वो बार बार कहीं कहीं पर हाथ रखता है। जिस स्ट्रिंग को उसने जहां पर उंगली रख दिया वहां पर उसने नोड बना दिया। एक नोड तो पहले ही बना हुआ है शुरुआत में गिटार के बेस के ऊपर, वेज के ऊपर, जहां उसने उंगली रखी वो उंगली को थोड़ी दूरी पर रख देगा तो वहां पर नोड बन जाएगा। तो नोड अलग अलग पॉइंट्स बनाकर क्या फायदा, वो अलग अलग लैम्डा बना सकता है, अलग अलग स्ट्रिंग को यूज करके अलग अलग वेलोसिटी बना सकता है, अलग अलग लेंथ से अलग अलग लैम्डा बनाएगा, तो वेलोसिटी भी बदल सकता है, लैम्डा भी बदल सकता है। फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, v=νλ, तो न्यू अलग अलग बदल सकता है। मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव तभी निकल सकती है जहां पर वो उंगली को रखेगा, ये गिटार में या सितार में या वायलिन में, सब में जहां पर उंगली रखी जाती वहां पर दोबारा नोड बना दिया जाता है। एक और एग्जांपल से आपको बता दूं, बांसुरी होती है उसमें बहुत से छेद होते हैं, तो जहां पर छेद है वहां पर एंटी नोड बनेगा,
क्योंकि हवा वहां हिल सकती है, लेकिन जैसे ही आपने उस छेद को बंद कर दिया, उंगली लगा दी, तो वहां पर आपने एयर का डिस्प्लेसमेंट रोक दिया, वो आपका नोड बन गया। माने बांसुरी में भी आप अलग अलग नोड बना देंगे तो लैम्डा बदल जाएगा, लैम्डा बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, ये सारा खेल उसी बस पे। तो स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर सारी बातें आप समझ रहे हैं। अगली बार इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑर्गन पाइप में साउंड पर आएगा कि कैसी साउंड इससे निकल पाती है, वो हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। इसके असाइनमेंट्स आप ले सकते हो www.dhawanlearning.com से। बाकी आप इसके ऊपर कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन फीड इन देयर और आप स्टडी कर सकते हैं, कोई डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।